नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का हमारा। और पहला क्वेश्चन है, टिपिकल एक्रोनिम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, यानी रीयूजेबल जो मेमोरी है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको काफी बार बताया है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि ये आपको दे देगा कि CDRW में RW का क्या मतलब है। तो काफी बच्चे इसका मतलब करके आएंगे रीड एंड राइट, तो आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। RW का मतलब होता है यहाँ पे रीयूजेबल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ, यानी पावर ऑफ यानी आप इलेक्ट्रिसिटी कट करने के बाद भी जिसमें डाटा रहे वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है नॉन वोलेटाइल। ये आपको पता है कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है वोलेटाइल और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डाटा तब तक रहता है जब तक बिजली है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डाटा हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें, गैदरिंग डाटा इनटू कंप्यूटर मींस, मतलब आप कंप्यूटर के अंदर डाटा गैदर कर रहे हो, मतलब डाटा स्टोर कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टोर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ परमानेंट मेमोरी, क्या बोल रहा है? अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर। ये लो जी दोस्तों, ये देखते ही मुझको आंसर पता चल गया कि इसका आंसर है रोम। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसके अंदर, पहली बात तो वो परमानेंट होनी चाहिए, और जिसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस है, वो निर्देश है जो हमारे कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक हैं। तो दोस्तों, वो रोम में होते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि रोम वो एक मेमोरी है जिसके अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक है। और इसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है बूटिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? बूटिंग कहते हैं। क्लियर है? चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। तो दोस्तों, जितने भी आपके सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है, चाहे वो आपका पेन ड्राइव हो, चाहे वो आपकी डीवीडी है, सीडी है, कुछ भी है, अगर आप वहां से कॉपी कर रहे हैं हार्ड डिस्क में, तो दोस्तों इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। इसमें ऑप्शन ये गलत है, ई एस्केलेशन नहीं, यहां पे क्या आएगा? इंस्टॉलेशन करना। आप नहीं बोलते कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो भाई। इंस्टॉल करने का मतलब है कि वह सॉफ्टवेयर आपने हार्ड डिस्क में कॉपी कर दिया, ठीक है? जो आपका मेन सेक्टर होता है वहां पे कॉपी हो जाता है वो। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आर्मी क्लर्क के जो बच्चे हैं उनके जो एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को, जितने भी आपके सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है, वहां से हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन। क्लियर है बात? चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following memory must be refreshed? यानी जिसको बार बार refresh करना पड़ता है, तो refresh करना पड़ता है sir dynamic को। ये आपको अच्छे से पता है कि जो हमारी RAM होती है दोस्तों, जो हमारी RAM होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है static RAM और दूसरी होती है dynamic RAM। तो जो static RAM है उसे refresh नहीं करना पड़ता और dynamic को refresh करना पड़ता है। क्लियर बात? इस सीरीज में हमने दोस्तों इससे पहले कंप्यूटर के फंडामेंटल के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और कंप्यूटर की हिस्ट्री डिस्कस कर ली है, कंप्यूटर के जनरेशन भी डिस्कस कर लिए हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है? चलिए जी, और इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द रिफ्रेश वाला हमने कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं क्या कहते हैं हमें। When we work on any document, अगर हम किसी document में काम कर रहे हैं तो वो temporarily कहां पे store है? तो सर ये तो हमें पता है कि RAM को working memory भी कहते हैं। RAM को working memory भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम currently कोई काम कर रहे हैं तो वो work कहां हो रहा होता है? हमारा RAM में होता है temporarily। इसका आंसर क्या आ गया? RAM। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? USB type storage device is, जो हमारा USB है वो कैसी मेमोरी है? सर USB secondary मेमोरी है। USB कैसी मेमोरी है? सेकेंडरी। और USB की फुल फॉर्म आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर है दोस्तों बात? चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। आइए, ये रही हमारी नेक्स्ट शीट, थोड़ा साइज ऑन कर लेते हैं। चलिए, द फास्टेस्ट
कॉस्टली एंड स्मॉल फॉर्म ऑफ मेमोरी, यानी जो सबसे तेज मेमोरी है, सबसे महंगी है और छोटी है, वो मेमोरी होती है दोस्तों कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूं आपको जो बहुत बार एग्जाम में आता है। अगर आपसे ये पूछे कि कंप्यूटर के अंदर सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो दोस्तों उसका आंसर होता है रजिस्टर। कौन सा होता है? रजिस्टर। बुक्स में कैश दे रखा है, लेकिन अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना आए तब आपको क्या करना है? कैश मेमोरी करनी है। जैसे देखो यहां पे चार ऑप्शन में ना रजिस्टर है ही नहीं, अगर चार ऑप्शन में रजिस्टर है ही नहीं तो मैं क्या करके आऊंगा? कैश मेरे को करना पड़ेगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन। ये भी हमने देखा कि जब कंप्यूटर शुरू होता है तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए। वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था सर, रोम के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन द सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ सीपीयू। यानी ये साधारण शब्दों में बताऊं तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू और रैम के बीच में होती है ताकि सीपीयू की स्पीड बढ़ जाए? तो दोस्तों इसकी होती है कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी, जो कि सीपीयू व रैम के बीच में होती है। क्लास में हमने ये सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, तो दोस्तों जो मेन मेमोरी है वो कौन सी होती है? सर इंटरनल होती है, एक्सटर्नल नहीं होती। एक्सटर्नल होती है हेल्पिंग मेमोरी, इंटरनल मेमोरी होती है मेन मेमोरी। ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इंटू ब्लॉक्स, दोस्तों जब हम लॉजिकल मेमोरी के अगर टुकड़े करते हैं ना तो वो बनते हैं पेज। क्या बनते हैं? पेज। अगर वो पूछ लेता इसी के जैसे एक क्वेश्चन कि अगर आप फिजिकल मेमोरी, अगर दोस्तों मैं बात करूं, अगर आप फिजिकल मेमोरी को ब्रेक करोगे तो वो कहलाएगा फ्रेम। ठीक है, अगर आप लॉजिकल मेमोरी को अगर ब्रेक करोगे तो वो कहलाएगा पेजेस। ठीक है, जो आप ये भी बोल सकते हो कि इंटरनल मेमोरी को ब्रेक करूंगा मैं, और अब फिजिकल मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा फ्रेम। यहां से आपके दो क्वेश्चन कवर हो गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ मेमरी विल नॉट लूज वेन द पावर गोज ऑफ। तो दोस्तों ये तो रोम होती है ना, रोम के अंदर डाटा हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, तो रोम बिल्कुल आंसर है। सर ईपी रोम भी रोम का प्रकार है, डबल ई भी रोम का प्रकार है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है ना ऑल ऑफ द अबव, तो सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा कि आपका हमारे सारे ऑप्शन सही हो। ठीक है, अब कई की बच्चे इसमें क्या करेंगे, वो रोम को देखते टिक कर देंगे, आगे देखेंगे नहीं कि ऑप्शन क्या है, तो गलत हो जाएगा ना अपना, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए अगर किसी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, ऑल ऑफ द अबव, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो हमें सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो सर रैंडम एक्सेस मेमोरी तो रैम होती है। कौन सी होती है? सर रैम होती है। क्लियर है बात? What is the permanent memory built into the computer called? जो permanent memory RAM computer के अंदर पहले से है तो सर वो ROM होती है, permanent memory। तो clear है? Where data will remain intact? Intact का मतलब है data के अंदर कोई change नहीं आता, चाहे power चली जाए, है ना, चाहे आप computer को बंद कर दो, तो सर इसका answer होता है secondary memory। ठीक है, जितनी भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है ना, चाहे हार्ड डिस्क मान लो, है ना, डीवीडी सीडी, इनके अंदर भाई चाहे आप कंप्यूटर बंद कर दो, अगर आपने कोई चीज हार्ड डिस्क में डाल रखी है तो वो हमेशा रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विद अ सीडी यू कैन, अब सीडी के साथ क्या कर सकते हो भाई? सर सीडी के अंदर हम रीड भी कर सकते हैं और हम राइट भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ट्रिकी टाइप हो जाता है, क्योंकि जब तक सीडी आरडब्ल्यू ना दे रखा हो, जब तक हम सीडी आरडब्ल्यू, यानी आरडब्ल्यू का मतलब है रीराइटेबल, रीराइटेबल का मतलब आप रीड भी कर सकते हो, आप राइट भी कर सकते हो, तब तक आप इसके साथ मत जाना। आपको यहाँ पे क्या करके आना पड़ेगा? सीडी के लिए रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो सीडी होती है ना वो रीड करने के काम आती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर परमानेंट मेमरी इन कंप्यूटर, फॉर परमानेंट मेमरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट यूज आर। दोस्तों परमानेंट मेमरी है तो फ्लॉपी डिस्क भी परमानेंट है, मैग्नेटिक टेप भी परमानेंट है, हार्ड डिस्क भी परमानेंट है, ऑप्टिकल डिवाइस भी परमानेंट है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर हो गया दोस्तों इसका? इसका आंसर हो गया सर ऑल ऑफ दीज। क्लियर है बात? आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20।
रैम इज अ डैश मेमोरी। तो दोस्तों रैम जो है ना वो मेन मेमोरी है, हालांकि रैम इंटरनल भी है। तो अगर ऑप्शन होता बोथ सी एंड डी तो मैं उसको टिक करता, लेकिन अगर दोनों में से मेरे को एक छांटना है तो जहां पे भी मेन मेमोरी की बात होगी तो हमेशा आप टिक करके आना रैम को। क्लियर है बात। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क। तो दोस्तों इसका आंसर है 500 M। M का मतलब क्या है, यहाँ पे कैपेसिटी पूछा है तो M का मतलब क्या होगा, मेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडर्ड। दोस्तों जो हार्ड डिस्क है वो सर परमानेंट होती है ना, परमानेंट का मतलब नॉन वोलेटाइल, परमानेंट का मतलब नॉन वोलेटाइल, यानी इसके अंदर आप कोई भी डाटा डाल दो तो वो हमेशा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, यानी वो मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर पहले से लगी आती है, तो दोस्तों रोम लगी आती है। ठीक है, कौन सी आती है, रोम। फ्लैश इज, दोस्तों जो फ्लैश है ना वो एक मेमोरी का प्रकार है, वो क्या है, एक मेमोरी का प्रकार है। और जनरली हम फ्लैश किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, रैम के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए करेंगे, रैम के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ रैम, जो रैम का प्रकार नहीं है। वैसे तो रैम मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम, बट अभी जो फ्लैश है उसको भी आप रैम में इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर हो गया पी रैम। पी रैम नाम की कोई रैम नहीं होती। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज इज, तो दोस्तों जो इंटरनल स्टोरेज है उसको तो प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, है ना। इंटरनल स्टोरेज को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, और एक नया नाम भी बता देता हूं मैं आपको, इंटरनल मेमोरी को IAS मेमोरी भी बोलते हैं, इमीडिएट एक्सेस स्टोर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इमीडिएट एक्सेस स्टोर। क्लियर बात यहां तक। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर डिक्शनरी लेटर CD आर यूज फॉर। तो दोस्तों CD का मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना सर। CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD के अंदर 700 MB डेटा आता है। CD एक ऑप्टिकल डिवाइस है और इसके अंदर रेड कलर की लाइट या फिर लेजर का इस्तेमाल होता है। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट पे। देखते हैं नेक्स्ट शीट का पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है, इन विच मेमोरी इज डाटा लॉस्ट बाय पावर ऑफ, यानी पावर ऑफ करने के बाद किस मेमोरी में डाटा उड़ जाएगा। तो सर रैम में उड़ जाता है क्योंकि वो क्या है, वोलेटाइल है। CD इज डैश मेमोरी। तो CD क्या है दोस्तों, सर CD जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी है, हेल्पिंग मेमोरी है CD को, है ना। वैसे अगर ना CD को आप एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हो क्योंकि लगाते हो तो बाहर से है, बट अगर अपने को बेस्ट छांटना है ना तो बेस्ट हम ऑक्सिलरी के साथ जाएंगे। क्लियर। डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम। दोस्तों आपको पता है कोई भी जो मेमोरी होती है ना वो 2n में काम करती है, जैसे 1, 2, 4, है ना, फिर क्या होता है 8, 16, 32, 64, 128, है ना। अपन नहीं बोलते 256, 512, लेकिन सर 574 नाम की कोई मेमोरी नहीं होती। ठीक है, हमेशा 2n में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, CD ROM इज यूज्ड। दोस्तों जो CD ROM है ना, ROM के अंदर आप सिर्फ रीड कर सकते हो, कुछ लिख नहीं सकते, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, टू रीड कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ROM का मतलब क्या हो गया, टू रीड, रीड ओनली मेमोरी। विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बींग प्रोसेस्ड बाय CPU, यानी करंटली कोई काम हो रहा है, तो सर ये तो इंटरनल मेमोरी यानी रैम के अंदर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। तो जब आप कोई डाटा स्टोर करते हो ना कहीं पे, तो स्टोर हमेशा बाइट के फॉर्म में होता है, ये मैंने आपको बताया। डाटा ट्रांसफर होता है बिट के रूप में और डाटा स्टोर होता है बाइट के रूप में। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है, फर्मवेयर क्या होता है। तो दोस्तों जो फर्मवेयर है ना, फर्मवेयर आपका एक सॉफ्टवेयर है जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कंप्यूटर में डाल दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम करे कंप्यूटर अदर हार्डवेयर के साथ मिलके। तो सेट ऑफ प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर डी, फर्मवेयर क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो पहले से इंस्टॉल कर दिया जाता है रीड ओनली मेमोरी के अंदर। क्लियर है बात। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर हार्डवेयर विच स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। तो सर लार्ज वॉल्यूम डाटा तो है ना हार्ड डिस्क में आता है, किसमें आता है, हार्ड डिस्क में आता है। तो डिस्क इसका आंसर हो गया। क्लियर है बात। नेक्स्ट, द वर्ड मेमोरी इज रिलेटेड टू, मेमोरी का मतलब जहां आप कुछ स्टोर करते हो,
तो इसका आंसर क्या हो गया, स्टोरेज। क्या आंसर हो गया इसका, स्टोरेज। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37, द कंटेंट ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द मेमोरी इज टर्न्ड ऑफ। देखिए दोस्तों, यहां पे आप दो चीज देखिए, एक तो वर्ड दिख रहा है आपको स्टोरेज और दूसरा आपको वर्ड दिख रहा है मेमोरी, दिख रहे हैं ना। इन दो वर्ड को ध्यान से समझिए, मेमोरी और स्टोरेज में ये फर्क है कि जो मेमोरी है वो टेम्परेरी होती है, यानी जब तक डाटा रहेगा तब तक बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर डाटा उड़ जाएगा, लेकिन जो स्टोरेज है वो परमानेंट है। तो इसने अपने को क्या बोला कि जब डाटा कंप्यूटर को टर्न ऑफ करोगे वो उड़ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, मेमोरी। क्योंकि मेमोरी क्या होती है दोस्तों, टेम्परेरी, और स्टोरेज क्या होती है, परमानेंट। क्लियर है बात। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल करते हैं सर हम, सर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, कौन सी करते हैं, हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क कैसी है, मैग्नेटिक। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, मैग्नेटिक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी जब कंप्यूटर बन रहा था तब वो डिस्क हमने डाल दी। तो सर जब कंप्यूटर बनता है ना तब हम कौन सी डालते हैं, रोम डालते हैं। कौन सी डालते हैं सर हम, रोम। रोम का मतलब क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन नेचुरल इनटू मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज, यानी कोई भी डेटा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है जो आपकी मेमोरी के अंदर रखा है तो वो क्या हो गया सर, स्टोरेज हो गया। क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। सीडीज आर ऑफ विच शेप, सर हमें पता है सीडी क्या होती है, सर्कुलर यानी राउंड शेप की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है बात। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। The instructions for starting the computer are housed in, यानी वो निर्देश जो कंप्यूटर को शुरू करने में काम आते हैं वो कहां होते हैं सर, रोम चिप के अंदर होते हैं। कहां होते हैं, रोम के अंदर होते हैं। Where is data saved permanently, यानी data permanently कहां सेव होता है सर, अभी मैंने बताया कि temporary तो होगा memory में और permanently store होगा आपका storage में। Clear है बात। आइए बढ़ते हैं next question की तरफ। Next question क्या कहते हैं अपने को, डैश यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सर लेजर टेक्नोलॉजी किसमें इस्तेमाल होती है, सर लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आप सीडी के अंदर करते हो, है ना, क्योंकि जो फ्लॉपी डिस्क है और जो हार्ड डिस्क है सर ये तो क्या है, मैग्नेटिक हो गए, ये तो मैग्नेटिक हो गए। और ये जो रैम है, रैम आपकी क्या है, इंटरनल मेमोरी है, और ज्यादा डाटा डालना है तो इसका आंसर क्या आएगा, सीडी, क्योंकि लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम सीडी में करते हैं। क्लियर। RAM is used as a short memory because it is, RAM क्या होती है सर, volatile होती है और temporary होती है, इसका option number A हो गया। RAM क्या है, volatile है, और क्या है दोस्तों,